बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को धमकी भरा पत्र मिला है। इस बात की जानकारी खुद मुंबई पुलिस ने बीते रविवार को मीडिया को दी। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार इस मामले में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ बांद्रा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है और जांच अभी जारी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार सलीम के सिक्योरिटी पर्सन को एक पत्र मिला। रिपोर्ट में एक पुलिस अधिकारी के हवाले से कहा गया है, सलीम खान हर सुबह की तरह अपनी मॉर्निंग रूटीन का पालन कर रहे थे और वह अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ वॉक पर गए थे। एक जगह है जहां पर आमतौर पर वह बेंच पर बैठकर ब्रेक लेते हैं और कल वहां एक चिट रखी हुई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस को पत्र में होने वाले खतरे के बारे में सूचित किया गया था। इस धमकी भरे खत मिलने के बाद से ही पुलिस इलाके में लगे CCTV फुटेज की भी जांच कर रही है। आपको बता दें, लॉरेंस बिश्नोई के पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले की हत्या के मुख्य आरोप के रूप में सामने आने के बाद सलमान की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। वहीं कल यानी 5 जून को सिंगर सिद्धू मूसेवाले की हत्या हुए पूरा एक हफ्ता हो गया था। उनकी हत्या 29 मई को रविवार के दिन हुई थी और सलमान के पिता को भी यह धमकी भरा खत बीते रविवार यानी 5 जून को मिला। इस हफ्ते की शुरुआत में खबर आई थी कि सलमान खान कभी लॉरेंस बिश्नोई के रडार पर थे। 2018 में बिश्नोई ग्रुप के एक मेंबर को काला हिरन हत्या मामले में अभिनेता को जान से मारने की धमकी देने के बाद गिरफ्तार किया गया था। वहीं एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पिछले हफ्ते हिंदुस्तान टाइम्स को बताया था कि हमने सलमान खान की ओवरऑल सिक्योरिटी बढ़ा दी है। राजस्थान के गिरोह द्वारा कोई नापाक गतिविधि ना हो यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस उनके अपार्टमेंट के आसपास मौजूद होगी। इस बीच सलमान इस सप्ताह के अंत में आईफा 2022 की समाप्ति के बाद आबू धाबी से लौटे। अभिनेता ने बॉलीवुड में कई अन्य सितारों के साथ अवार्ड शो में भाग लिया। काम के मोर्चे पर सलमान की कुछ फिल्मों की शूटिंग चल रही है। उनके पास कभी ईद कभी दिवाली के साथ Tiger 3 पाइपलाइन में है। अभिनेता शाहरुख खान की पठान फिल्म में कैमियो भी करेंगे।